वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ डॉक्टर मुस्कान और आज मैं आपके लिए आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ पीपल परसेप्शन एंड थॉट्स। हमारी ज़िंदगी जो है वो इसी चीज़ पर आकर अटकती है कि हमारी ज़िंदगी में कैसे लोग हैं, वो हम पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं और उनकी वजह से हमारे जहन में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, हमारे जहन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से जो हमारी लाइफ है काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाती है। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर प्रेजेंट इन आवर लाइव्स, इन केस व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ इन-लॉज वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स वी आर विद अराउंड, हमारी लाइफ में कैसे लोग हैं, व्हाट इज देयर माइंड सेटअप एंड हाउ दे बिहेव विद अस और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम पे एंड हाउ वी परसीव देयर सोशलाइजेशन, हाउ वी परसीव the people we have in our life, suppose our family, our friends, the way they behave with us, the way they act with us, जो वो हमारे साथ behave करते हैं, जो वो हमारे साथ सलूक करते हैं, उसकी वजह से हमारे दिमाग पर कैसा impact पड़ेगा वो decide करता है कि हमारा जो mind है वो depression की तरह जाए, वो काम रहे या वो हैप्पीनेस की तरफ जाए। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट कि नाउ हाउ वी परसीव, आप लोग हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, हमारी ज़िंदगी में कैसे लोग हैं, हम हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, लोग कैसे हैं, फैमिली कैसी है, पीपल अराउंड, रिलेटिव्स, नेबरहुड, ये सब हमारे हाथ में तो नहीं है, बट हाँ हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है हाउ वी परसीव दीज पीपल, हम कैसे इनको परसीव करें, हम कैसे अपने थॉट प्रोसेसिंग को इम्पैक्ट होने दें इससे, हम कैसे खुद को अफेक्ट होने दें इससे, हमारा माइंड सेटअप क्या बन जाए इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से, हम अपने दिमाग को किस डायरेक्शन में ले लें, हम क्या सोचें, दैट इज़ व्हाट लाइज विद इन अस। सो व्हेन इट सीम्स इट इज़ डार्कनेस ऑल अराउंड, पीपल अराउंड आर यू डार्क, the world is dying, nothing is going right now and there seems darkness all around, you can be the light yourself, try to be the light yourself. If you find yourself in a mid of obstacles around, the people around, the situation around, the atmosphere around, everything seems as an obstacle, everything seems as in darkness, be the light yourself, you can be the miracle yourself that you want in your life, and this happens only when you perceive that energy, that outside energy that you perceive in you in a positive way. You don't get affected by the silly, ill-minded people out there or the silly, sad situation. See, nothing is permanent in this world. Everything is temporary. Nothing is constant except Himself. He, Himself, the Almighty. So the situation, whatever the situation will be, whatever the behavior of people will be, it's ऑल टेम्प्ररी, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंट नहीं है, सब जो सिचुएशन है अभी, जो लोग हैं हमारी लाइफ में, जो उनका बिहेवियर है वो भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है और इस ये सोच कर हमें खुद पर इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, हमें अपने जहन को डिप्रेशन की तरह, एनजाइटी की तरह नहीं मोटिवेट करना है, हमें खुद को मोटिवेट करना है कि जो हम लाइट देखना चाहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में मिराकल्स देखना चाहते हैं, हम वो खुद बने। बी द लाइट योर सेल्फ, वेन यू फाइंड इट्स डार्क ऑल अराउंड, बी द लाइट योर सेल्फ। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज बी पॉजिटिव, जो इन्फ्लुएंस आप पे पड़ रहा है लोगों का, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द पीपल, स्टे विद योर पॉजिटिव एनर्जी, बी काम, बी कूल,
پانس پہ مہ دیو تھی حوی گھن کیا سچویشن ونکس لوک کت تہندی زندگی مز ہمسایو کیا وون رشتہ دارو کیا وون یم ساری کن وقت تان آسان وقتی طور آسان سانہ زندگی مزید چیز اس کیا پان سون ذہن کت کن گھس کیا امپیکٹ یھان پنہ زندگی پہ تر باقین ہند زندگی پہ تر اس پانس اندر کلٹویٹ کر پنس پانس اندر اس تم چیز کلٹویٹ کریں ہمیں اپنے اندر پازیٹیوٹی لانی ہے ہمیں اپنے اندر پازیٹیو تھاٹس انکلکیٹ کرنے ہیں تاکہ ہم ہر کسی سچویشن کو ڈیل کر سکتے اٹس ان آر ہینڈ اٹس ناٹ بیونڈ آر ہینڈس اٹس ان آر ہینڈس اٹس ود ان یور سیلز یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اگر چاہو تو آپ ایسا کر سکتے ہو اپنی زندگی میں آپ پازیٹیوٹی خود لا سکتے ہو آپ وہ لائٹ خود بن سکتے ہو جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہو آپ وہ میرائیکل خود بن سکتے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں میرائیکل ہو سو دیٹس آل فار ٹوڈے stay tuned I will be back with more videos don't forget to subscribe and press the bell icon for more videos thanks for watching take care stay blessed